So students, let us move and proceed towards question number 14. That is determinant of whole determinant of a square plus 1 AB AC row wise, AB B square plus 1 BC row wise, CA CB C square plus 1 row wise. ये आपको प्रूव करना है इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. LHS ले लिया स्टूडेंट्स, LHS है आपका, ये सामने दिख रहा है आपको. इसमें से स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, अगर मैं C1 को देख रहा हूँ तो यहाँ से भी A कॉमन आ रहा है, C2 में से B कॉमन आ रहा है, C3 में से C कॉमन आ रहा है. लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इसे वॉच करूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करूँ, तो ये आपका R1 में से, इसको ध्यान से देखने पर, ऑन सीइंग इट वेरी केयरफुली, R1 में से A कॉमन आ रहा है, R2 में से B कॉमन आ रहा है, R3 में से C कॉमन आ रहा है. हो रहा है ना ऐसा? तो आप कोई भी एक ऑपरेशन जो हमें स्ट्राइक करता है हमारे ब्रेन पर, जल्दी स्ट्राइक करता है एग्जाम में और कन्वीनियंटली स्ट्राइक करता है, वो आप कर सकते हैं. जैसे मैंने लिखा टेकिंग ए बी सी एस कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली. मैंने इस R1 में से A कॉमन ले लिया है, R2 में से B कॉमन ले लिया है, R3 में से C कॉमन ले लिया है. बट यही आप C1 C2 C3 में से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैथमेटिक्स जो है वो रटाफिकेशन का नेम नहीं है. इट्स नॉट द नेम ऑफ रटाफिकेशन, इट इज़ जस्ट द मैटर ओनली फॉर प्रैक्टिस. A यहाँ से कॉमन आया, B यहाँ से कॉमन आया, C यहाँ से कॉमन आया, बार ABC हो गया. आपको बताया था डिटर्मिनेंट में से कॉमन लेने का तरीका मैट्रिसेस की तरह नहीं होता है स्टूडेंट्स. मैट्रिक्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट पूरे होल मैट्रिक्स को इफेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर रो वाइज या कॉलम वाइज इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, ABC बाहर आ गया, तो आपका ये कॉमन लेने के बाद ये सब चीज़ बच गई. ठीक है, अब इस में से आप ध्यान से देखिए, पहले आपने रो वाइज कॉमन लिया था तो आप कॉलम वाइज आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. लेकिन अगर आप पहले कॉमन लेते कॉलम वाइज तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड रो वाइज करना पड़ता, इस बात का ध्यान रखना. अगर पहले आपने रो में से कॉमन लिया है, ठीक है, आप मतलब रोज में से अलग अलग नंबर कॉमन लिए, तो आपको बाद में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऐसे क्वेश्चन में कॉलम्स में करना है. ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, हमेशा रिवर्स फॉर्म में होगा, हमेशा ऐसे ही चलेगा. और अगर आपने कॉमन पहले कॉलम वाइज लिया है तो आपको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रो वाइज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, राइट? तो इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग C1 C2 एंड C3 बाई ABC रेस्पेक्टिवली. इसमें से एक मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया. इसमें B मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, C1 में A मल्टीप्लाई डिवाइड किया, B C2 में B मल्टीप्लाई डिवाइड किया, C3 में C मल्टीप्लाई डिवाइड किया. तो बाहर ABC है, तो यहाँ से अपॉन में ABC आ गया. क्यों आया अपॉन में ABC स्टूडेंट्स? क्योंकि आप मैथमेटिक्स में जानते हैं अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस चीज़ को तो डिवाइड भी करना पड़ेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो होता ही है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है. तो ये डिवाइड हो गया और ये एक तरह से ये C1 में A की मल्टीप्लाई हो गई इसके अंदर, तो ये आ गया. C2 में B की मल्टीप्लाई हो गई तो ये आ गया, C3 में C की मल्टीप्लाई हो गई तो ये आ गया, और ये ABC से ABC कैंसिल आउट हो गए. इस बार ध्यान से देखो, जो हमें राइट हैंड साइड पर रिक्वायर्ड है वो चीज़ हमारी कैसे बन सकती है, ऐसे ऐड करने पर या ऐसे ऐड करने पर? नेचुरली ऐसे ऐड करने पर. तो आप कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं या रो को? ऑफ कोर्स कॉलम को कर रहे हैं सर. तो C1 अप्रोचेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इन तीनों को ऐड किया, लेकिन चेंज C1 में एग्जिस्ट करेगा, ये आ गया. ऐसे ये ऐड किया, ये आ गया. ऐसे ये ऐड किया, ये आ गया. C1 में चेंज दिख रहा है आपको. तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स ये कॉमन आ गया, 1 1 1 रह गया, ये आपके सेम. इस बार दो जगह पर जीरो बनाना ज़रूरी होता है, आपको मैंने बताया था. तो यहाँ पर ये R1 अप्रोचेस टू R1 माइनस R2, R2 अप्रोचेस टू R2 माइनस R3. ठीक है, ये इसमें से ये गया जीरो, इसमें से ये गया जीरो, इसमें से ये गया -1 1, इस तरह से ये सारा आ गया. इसके बाद स्टूडेंट्स इसको आप अलॉन्ग C1 भी एक्सपेंड कर सकते हैं और अलॉन्ग R1 भी एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि दो जीरोज इसमें भी हैं और दो जीरोज इसमें भी हैं, तो कोई टेंशन की कोई बात ही नहीं है स्टूडेंट्स. तो मैंने इसको अलॉन्ग R1 एक्सपेंड कर दिया. आप चाहे तो लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 प्लस माइनस प्लस, इन दोनों के अलॉन्ग तो करने की कोई ज़रूरत नहीं. ये माइनस के बच्चों, ये माइनस के अलॉन्ग खुलेगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, देख रहे हैं आप आगे. ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1, और ये 1 के रिलेटेड कॉलम और रो गया. इसको 0 से किया 0, इसको 1 से किया 1, 0 प्लस 1 1 हो गया स्टूडेंट्स. तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया RHS हेंसफोर्थ. तो स्टूडेंट्स कितने अच्छे क्वेश्चन हैं ये आपकी एक्सरसाइज इस तरह से फिनिश होती है. ठीक है, जो भी छोट मोट क्वेश्चन हैं इसमें 1-1 मार्क के, वो आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं आता है तो पूछ सकते हैं. 4.3 एक्सरसाइज में आपको केवल आज उनके फार्मूलाज बताकर छोड़ रहा हूँ, आप उनको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा. 4.3 एक्सरसाइज कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी एक्सरसाइज नहीं है,
पांच या छह क्वेश्चंस हैं इसमें और छोटी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादातर वन मार्क या टू मार्क्स में अपीयर हो जाती है सीबीएसई में। इसमें दो तरह के फॉर्मूले हैं, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और एक इक्वेशन ऑफ लाइन। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ होल डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन। ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसिस हैं जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होंगे। ये वन 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 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट सी थ्री रहेगा, इसको आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो, जो भी कॉन्स्टेंट आए वो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका स्क्वायर यूनिट्स में एरिया हो जाएगा। सेकेंड इसमें क्वेश्चन बनता है इक्वेशन ऑफ लाइन का। इक्वेशन ऑफ लाइन का सेम फॉर्मूला है हाफ एक्स वन वाई वन ठीक है एक्स टू वाई टू वन वन सेम रहेगा, बस यहाँ एक्स थ्री वाई थ्री ना होगा स्टूडेंट्स, एक्स वाई होता है वन। एक्स वाई इसलिए होता है क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन की बात कर रहे हैं और इक्वेशन ऑफ लाइन में एक्स वाई का होना ज़रूरी है विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ईजिली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आप करना चाहें अपने बिहाफ पर तो कर सकते हैं, मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्हीं दोनों फार्मूले से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा देंगे आपको, पाँच छः क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, जितना भी मैं अब तक आपको पढ़ा रहा हूँ क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? अगर आप लोग सेटिस्फाइड हैं तो आप लोग अपना इसको रिटन फॉर्म में भी करते रहिए, इसका अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। आई एम ऑलवेज़ विद यू, किसी हेल्प की किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, वीडियो क्लिपिंग से पूछ सकते हैं, वीडियो कॉल से पूछ सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज से पूछ सकते हैं ठीक है, ऑडियो कॉल से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। एनी टाइम आप अपने डाउट को पूछिए सो दैट कि ये चैप्टर्स आपके ऐसे पेंडेंसी में ना रहें कि आगे चलकर आपको इनके अंदर प्रॉब्लम्स आएँ। आपके ये चैप्टर्स साइड बाय साइड पूरे होने चाहिए, अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जब स्टूडेंट्स ये चैप्टर्स आपके अच्छे से क्लियर होंगे तो इसके बाद हमारा जो पैटर्न चलेगा वो हमारा कैलकुलस पर फोकस हो जाएगा। कैलकुलस में डिफ्रेंशिएशन भी आता है एज वेल एज इंटीग्रेशन भी आता है। वो अपने आप में एक टेढ़ी खीर है, वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जब आप इन सिंपल प्रोसेस को बहुत ईजिली कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नेचुरली बूस्ट हो जाएगा और आप आगे चलकर उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को अच्छे से झेल पाएंगे, उन्हें टॉलरेट कर पाएंगे, उन्हें फेस अप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इन स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स या स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स में या फिर इतने सिंपल और सॉबर चैप्टर्स में भी कन्फ्यूज रहेंगे तो नेचुरल सी बात है आपका मैथमेटिकल बेस वीक रह जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता, दैट आई डू नॉट वॉन्ट एट ऑल। तो मैं आपके साथ हूँ, आप कभी भी अपना डाउट पूछिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थर्ड चैप्टर का टेस्ट हमारा अभी आउटस्टैंडिंग है, एरियर है, वो चैप्टर आपका पेंडेंसी में है, उसका टेस्ट मैं वेरी शॉर्टली आपको भेज दूंगा। आप सभी लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे बाय योर ओन ऑन योर ओन और उसको ऑनेस्टली सॉल्व करके मुझे वैसे ही पहले की तरह सेंड करेंगे। कोई डिफ़िकल्टी आती है आपको बता दिया जाएगा कितने मार्क्स हैं और आप उसको करके भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।